नमो बुद्धाय। ये सूत्र उपदेश का नाम है चेतोखिल सूत्र। क्या नाम है? चेतोखिल। एक बात याद रहे कि कोई भी उपदेश सुनेगा तो भगवान बुद्ध की वर्ड है, इसलिए हर एक शब्द पे विश्वास रखना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में सूत्र उपदेश दिया गया है। उन्होंने कहा, जो कोई भिक्षु हो या कोई व्यक्ति हो, अपना मन में चुभने वाले ये पांच प्रकार की काटा नष्ट नहीं हो गया तो मन में बंधन होने वाले पांच प्रकार की बंधन भी नहीं नाश हो गया तो उसको जो कुछ रात या दिन आ जाता है उसी दिन रात में उनका गुणधर्म हमेशा पतन होते रहेगा, कभी वो उन्नति की ओर, गुणधर्म से ज्ञान से उन्नति की ओर नहीं जा पाएगा। कौन सा व्यक्ति को? ये पांच प्रकार की काटा चुभने वाले पांच प्रकार की काटा है, वो काटा क्या करना चाहिए? नष्ट करना चाहिए। मन में बंधन होने वाले पांच प्रकार की बंधन है, वो भी नाश करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं हुआ तो उनको जो कुछ दिन हो या रात हो वो पतन होते जाएगा, उन्नति की ओर नहीं जाएगा। उनका मन में चुभने वाले कौन सी पांच प्रकार की काटा है? पहला है वो तथागत भगवान बुद्ध जी के प्रति शक करता है, तथागत के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रसन्न नहीं होता है। तथागत ने बताया, वो भिक्षु अपना शास्त्र तथागत के बारे में शक करेगा तो, विचिकित्सा करेगा तो, श्रद्धा उत्पन्न नहीं करेगा तो, प्रसन्न नहीं हुआ तो तथागत के प्रति, ऐसे प्रसन्नता नहीं है तो उनको क्लेश गंदगी को मिटाने वाले वीर्य, आराध्य वीर्य, धर्म की रास्ता पे आने का आराध्य वीर्य उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा है तो आराध्य वीर्य, धर्म की रास्ता पे जाने वाले वीर्य उत्पन्न होने का पहला कारण क्या है? श्रद्धा, तथागत के प्रति प्रसन्नता। मन में गहरा वीर्य के साथ आराध्य वीर्य, आराध्य वीर्य मतलब शुरुआत किया हुआ वीर्य, बार 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 वो रोकता नहीं है, मेहनत करने वाले वीर्य उसके पास नहीं आएगा तो ऐसा होने का पहला काटा है जो क्या होता है? चुभता है। पहला काटा उसको चुभ गया, कैसे? श्रद्धा नहीं है। किन के प्रति? भगवान बुद्ध के प्रति। पिछले कुछ दिन पहले हम आप लोग को बताए थे ना, बुद्धानुसार ध्यान करना चाहिए, भगवान बुद्ध को दिन रात सेवा करना चाहिए, प्यार करना चाहिए भगवान बुद्ध को। और क्योंकि भगवान बुद्ध के प्रति प्यार है तो प्रसन्नता है तो ऑटो वर्किंग है, काम कर रहा है, आराध्य वीर्य उत्पन्न हो जाता है। अगर आप लोग आराध्य वीर्य नहीं करते हैं मतलब आपका श्रद्धा का कमी है। मन में आता है हमको विश्वास है भगवान बुद्ध जी, वो विश्वास बाहर से आया हुआ विश्वास है, अंदर घुसा नहीं वो विश्वास, तो पहला कारण है। दूसरा कारण है वो धर्म को शक करता है, विचिकित्सा करता है, धर्म के प्रति श्रद्धा में नहीं आता है, धर्म के प्रति प्रसन्न नहीं होता है। वो व्यक्ति अगर धर्म के प्रति श्रद्धा कर, धर्म के प्रति शक करेगा तो, विचिकित्सा में आ गया तो, धर्म के प्रति श्रद्धा में नहीं आया तो, प्रसन्न नहीं हुआ तो,
उनको भी क्लेश गंदगी को राग द्वेष मोह को मिटाने का वीर्य उत्पन्न नहीं होता है, आराध्य वीर्य उत्पन्न नहीं होता है। मन की गंदगी को मिटाने का आराध्य वीर्य नहीं उत्पन्न होगा तो उसका कारण है एक खाटा चुभता है। वो कौन सी खाटा है? तथागत भगवान बुद्ध की धर्म के प्रति वो श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, विचिकिच्छा है, प्रसन्न नहीं है, वो दूसरा कारण। तीसरा कारण है आर्य श्रावक संघ के बारे में श्रद्धा नहीं है, आर्य महासंघ के बारे में विचिकिच्छा है, श्रद्धा में नहीं आता है, प्रसन्न नहीं होता है। ऐसा है तो आर्य महासंघ के बारे में विश्वास नहीं हुआ तो विचिकिच्छा हो गया, तो विचिकिच्छा मतलब शक, तथा आर्य महासंघ के बारे में श्रद्धा में नहीं आया तो प्रसन्न नहीं हुआ तो उनको मन में उत्पन्न होने वाली क्लेश गंदगी को मिटाने का आराध्य वीर्य उत्पन्न नहीं होता है, वो धर्म पे देर होता है। ऐसा है तो मन की गंदगी को मिटाने वाले वीर नहीं उत्पन्न होगा तो उसके लिए तीसरा कारण क्या है? आर्य महासंघ के प्रति श्रद्धा नहीं है। चौथा है वो शिक्षा के बारे में विश्वास नहीं है। शिक्षा मतलब सील के बारे में, सील के बारे में विश्वास नहीं है, सील के बारे में विचिकिच्छा है, सील के प्रति श्रद्धा नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया सील को बहुत इज्जत करने के लिए, है ना, वो सील के बारे में प्रसन्नता नहीं है। जो कोई व्यक्ति सील के बारे में विश्वास नहीं हुआ तो, सील के बारे में प्रसन्नता नहीं हुआ तो, सील के ऊपर श्रद्धा में नहीं आया तो, सील के प्रति विचिकिच्छा है तो वो भी अपना मन की क्लेश गंदगी को राग द्वेष मोह को मिटाने के लिए उनका मन में आराध्य वीर्य उत्पन्न नहीं होता है। बार 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 वीर्य करने का वीर्य आराध्य वीर्य नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि ऐसा है, ऐसा होने का कारण है उसको उसका मन में एक काटा चुभ गया। वो कौन सी काटा है? सील के बारे में श्रद्धा प्रसन्नता विश्वास नहीं है, विचिकिच्छा है। पांचवा कारण है वो व्यक्ति अपना सब्रह्मचारी मतलब साथ में रहने वाले भंते लोग, आप लोग ले लेंगे तो आप सभी लोग भंते लोग और उपासक लोग, अपना साथ में रहने वाले लोगों के साथ गुस्सा से रहता है, अमनाप है, मनाप नहीं है, हमेशा घृणा मन से रहता है साथी लोगों के साथ। ऐसा है तो जो कोई व्यक्ति अपना साथ में रहने वाले आर्य मित्र लोगों के साथ, कल्याण मित्र लोगों के साथ गुस्सा करेगा तो प्रसन्नता नहीं होगा तो, एकदम घृणा मन से रह जाएगा तो उस समय में भी उनको अपना मन की क्लेश गंदगी को मिटाने का वीर्य उत्पन्न नहीं होता है। बार 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 वीर्य करने का हिम्मत नहीं होता है, वो जिस कारण से वो धर्म की रास्ता पे नहीं आता है वो ऐसा एक कांटा चुभ जाता है। वो कांटा क्या है? अपना साथी कल्याण मित्र लोगों के साथ क्रोधित मन से रहते हैं, गुस्सा करता है, साथ में नहीं रहता है। इसी प्रकार पांच कारण, पांच
काटा उसका मन में चुभ गया है। उसका मन में कौन सी पांच बंधन संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ है? पहला है वो पंचकाम गुण के बारे में राग नहीं मिटाया है, प्रसन्नता नहीं मिटाया है, पंचकाम के प्रति आशा दूर नहीं किया है, पंचम काम के प्रति प्रेम दूर नहीं किया है, प्रेम के साथ है पंचकाम के प्रति, पंचकाम के प्रति बहुत प्यासा है, प्यासा मतलब पंचकाम को पाने का इच्छा बहुत है, पंचकाम के प्रति दम गर्म उत्पन्न हो गया, शरीर गर्म हो गया पंचकाम के प्रति, उसको चाहिए पंचकाम, तृष्णा नहीं मिटाया पंचकाम के प्रति। इसी प्रकार जो कोई भिक्षु हो या तो फिर जो कोई व्यक्ति हो पंचकाम के प्रति राग दूर नहीं किया तो और पंचकाम के प्रति आशा से रह गया तो, प्रेम से रह गया तो, प्यासा हो गया तो पंचकाम को पाने का, पंचकाम को पाने का उसको क्या कहता है, शरीर एकदम शरीर चाहता है पंचकाम, वैसा हो गया तो, तृष्णा में आ गया तो वो है उनको क्लेश गंदी को मिटाने के लिए बार बार वीर करने के लिए, यानी कि आराध्य वीर करने के लिए उसका मन आता नहीं है, यानी कि उसका मन में बार बार वीर करने का हिम्मत नहीं होता है। जिसका मन में क्लेश गंदगी है, क्लेश गंदगी को मिटाने का वीर के साथ साथ, आराध्य वीर के साथ साथ, प्रसन्न मन से धर्म की रास्ता पे नहीं आने का पहला बंधन है जो नष्ट नहीं हुआ, वो क्या है? पंचकाम गुण के प्रति राग दूर नहीं किया। समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया? समझ में है? पंचकाम जानते हैं ना, रूप शब्द गंध रस स्पर्श, ये पांच का मालिक कौन है? मन। सब कुछ पंचकाम। सोचिए आपका मन में आ गया हम एक मोबाइल खरीद लेंगे, पंचकाम है वो भी, मोबाइल खरीदने के लिए बहुत सोचता है, चिंतन करता है, प्रयास करता है, वो हर एक चीज में से उसका मन पतन होते जाता है, आश्चर्य ना। दूसरा है शरीर के बारे में राग दूर नहीं किया है, शरीर के बारे में आशा से रहता है, शरीर को बहुत प्रेम करता है, शरीर के बारे में बहुत प्यासा है, गर्म है। इसी प्रकार जो कोई भिक्षु या कोई भी हो शरीर के बारे में इसी प्रकार राग से रह जाएगा तो, आशा से रह गया तो, प्रेम से रह गया तो शरीर के प्रति, शरीर के प्रति प्यासा है तो, लालची है तो, उनका मन भी क्लेश गंदगी को मिटाने के लिए बार बार वीर्य करना नामुमकिन है, वीर्य नहीं कर पाता है, मन वीर्य करने के लिए लगता नहीं है, क्योंकि वो अपना शरीर को प्यार करता है, वो दूसरी बंधन है। तीसरी बंधन है रूप के बारे में, रूप के बारे में
वो राग से युक्त होता है। रूप क्या है? पट व्याप्ते जुवाए से जो कुछ बना उसको रूप कहता है। जो कुछ हो रूप संसार में, रूप के बारे में वो राग रागी मन से रहता है। रूप के बारे में आशा मिटाया नहीं, प्रेम के साथ रहता है। प्यासा है रूप के प्रति, पाने का इच्छा है रूप को। ऐसे रहने वाले व्यक्ति को भी, व्यक्ति का मन भी पतन होता है। उनका मन में बार बार वीर करने का आरद वीर उत्पन्न नहीं होता है, गहरी वीर उत्पन्न नहीं होता है। ये तीसरी बंधन है। तीसरे बंधन क्या है? रूप के प्रति राग। और है चौथा है चौथा बता दे ये क्या करता है? भरपेट खाना खाता है। खाना खा के नींद से मिलने वाले सुख पे आसक्त होके, आलसी से एक सुख मिलता है ना, आलसी भी एक सुख है, आलसी का सुख के आसक्त होके आराम से सोते सोते रहता है। वैसे रह जाएगा तो उस पे नींद पे आसक्त हो जाएगा, तो खाऊ पी के आराम करने पे प्रसन्न हो गया, तो आशा से युक्त हो गया, तो नींद को प्रेम करेगा, तो उनको उनका भी मन मन में वीर्य उत्पन्न नहीं होता है। अब आरद वीर्य उत्पन्न नहीं होता है, मन की गंदगी को मिटाने के लिए आरद वीर उत्पन्न नहीं होने वाले चौथा बंधन क्या है? नींद, आलसी नींद, आलसी एवं नींद पे प्रसन्न करना, भरपेट खाओ पी के नींद से मिलने वाले सुख पे आसक्त हो कि नींद नींद आलसी के कारण स्पर्श होता है ना, क्या स्पर्श? सोने के बाद कंबल ओढ़ने के बाद चैन मिलता है ना, उसको स्पर्श कहते हैं। उसी स्पर्श पे आसक्त होगी रहने से, वो भी एक बंधन है। पंचमा है जहाँ कोई भिक्षु हो या कोई व्यक्ति हो, वो कोई देवलोक देवलोक में मन लगा के रहता है। हम जन्म लेंगे ताव तीन समय, हम जन्म लेंगे तो उसी प्रकार कोई एक जगह चुन लिया पहले से ही, हम उसी जगह पे जाके हम ये जो पालन करता है सील व्रत या तपस्या या ब्रह्मचारी, ये सारे चीजों का बल से हम उसी देवलोक में देवता बनेंगे। इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति हम ये सील व्रत तपस्या ब्रह्मचारी ये सारे पुण्य से उसी देवलोक में अन्य देवता बन जाएंगे, इसे इसे रहने वाले रहने के लिए सोचेगा तो कोशिश करेगा तो उसका मन वीर करने के लिए बार 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 आराध वीर करने के लिए हिम्मत नहीं रहता उसका मन में। जिसका जो कोई व्यक्ति का मन में वीर नहीं होगा तो आराध वीर नहीं होगा तो वीर करने के लिए बाधक होगा, तो वैसा होने वाले पंचमा बंधन है क्या है? वो कोई देवता बनने के लिए प्लानिंग करके रहता है एक देवलोक में, फिर उसी जगह पे जाना चाहेंगे तो ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, रुक जाता है। तो बताया भगवान बुद्ध जी, जो कोई भिक्षु हो या भिक्षुनी हो, जो कोई व्यक्ति हो, उन लोग को ये पांच प्रकार की काटा चुभना नहीं खत्म हो गया तो, पांच प्रकार की बंधन भी नाश नहीं हो गया तो, उसके लिए जो कोई दिन हो या रात हो, किसी भी समय आएगा तो कुशल धर्म का उन्नति नहीं होता है, कुशल धर्म से वो पतन होते जाता है।
उन्नति की ओर नहीं बल्कि अवनति। हाँ पतन की ओर जाते रहता है। कैसे? एक उदाहरण बताया, अमावस्या के दिन चांद आसमान में आता है, लेकिन उसी चांद को दिन हो या रात हो कभी भी आ गया तो चांद का रोशनी नहीं दिखाई देता है, रोशनी से वो पतन हो गया चांद, गोला गोला से भी पतन हो गया, आलोक से भी पतन हो गया, पूरा चांद का जितना उसका चांद का शरीर है, जितना उस चांद का बॉडी है, सारी चीजों से पतन हो गया है। कब? अमावस्या के दिन। वैसे ही है जिसके पास ये पांच प्रकार की मन में चुभने वाले खाटा नष्ट नहीं हो गया तो पांच प्रकार के बंधन भी संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो गया तो उसके लिए जो कोई दिन हो या रात कभी भी समय आता है तो हमेशा हर पल वो पतन ही होते जाएगा, उन्नति की ओर नहीं जाएगा। समझ में आ गया? तो भगवान बुद्ध ने बताया जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी या जो कोई व्यक्ति हो ये पांच प्रकार के बंधन संपूर्ण रूप से नाश हो गया तो पांच पांच प्रकार की काटा चुभना भी नष्ट कर दिया तो उसके लिए जो कोई दिन रात हो हा हर पल कुशल धर्म से उन्नति की ओर जाते रहता है, पतन कभी नहीं होता है। वो पहला कारण क्या है? तथागत भगवान बुद्ध जी के प्रति शक नहीं करता है, विचिकित्सा नहीं करता है, श्रद्धा में आता है, प्रसन्न होता है। ये पहला कारण है। दूसरे कारण, धर्म के प्रति शक नहीं करता है और विचिकित्सा नहीं करता है, श्रद्धा में आता है, प्रसन्न होता है। तीसरा, आर्य महासंघ के प्रति शक नहीं करता है, विचिकित्सा नहीं करता है, श्रद्धा में आता है, प्रसन्न होता है। चौथा क्या है? सील के बारे में संदेह नहीं करता है, विचिकित्सा नहीं करता है, प्रसन्न होता है, श्रद्धा में आता है। इसके बाद चौथा, अपने आप गुस्सा नहीं करता, सील के बारे में बताया ना, ऐसे तो पंचमा, अपने कल्याण मित्र के साथ गुस्सा नहीं करता है, मिल के रहता है, नाराज नहीं होता है, घृणा मन से नहीं रहता है। ये पांच कारण से युक्त हो गया तो उनका मन क्लेश गंदगी को मिटाने के लिए आ जाता है, उसका मन नम्र हो जाता है धर्म पे, आराध्य वीर्य करने का हिम्मत उत्पन्न हो जाता है। उसी को कहा जाता है पांच प्रकार के काटा चुभना मिटा दिया। कौन सी पांच प्रकार के बंधन नष्ट हो गया है? पहला है पंच काम के प्रति राग मिटा दिया, आशा नाश कर दिया। पंच काम को प्रेम करता है? नहीं करता है। पंच काम के प्रति प्यासा नहीं है। इसी प्रकार रहने से तथा दूसरा कारण क्या है? शरीर के बारे में रागी नहीं होता है और आशा नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, शरीर के प्रति प्यासा नहीं है। तीसरा क्या है? रूप के बारे में राग नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है और प्रेम नहीं करता है, रूप के प्रति प्यासा नहीं है। चौथा क्या है? नहीं, भरपेट खाओ पी के नींद से मिलने वाले सुख पे आसक्त होके सोता है, आराम से सोता है, आराम करता है। पांचवा क्या है?
कोई एक देवलोक में मन लगा के रहता है, अपना करने वाले सारे मेहनत का फल उसी देवलोक में जन्म लेने के लिए कोशिश करता है, लगाता है। ये पांच पांच कारण वो ऐसा मन लगाता नहीं है। पहला है पंचकाम गुण के प्रति राग नहीं है, दूसरा शरीर के प्रति राग नहीं है, तीसरा रूप के प्रति राग नहीं है, चौथा भरपेट का के सोता नहीं है। भरपेट खाता है लेकिन भरपेट का के वो ध्यान करता है या कुछ काम करते रहता है, सोने के लिए जगह नहीं देता है। पंचमा है देवलोक में मन नहीं लगाता है, वो प्रयास करता देवलोक में नहीं अरहत के लिए। ऐसे होने से ये पांच प्रकार की बंधन उस व्यक्ति से नष्ट हो गया है। ये पांच प्रकार की काटा चुभना नष्ट हो गया, तो चुभने वाले काटा नष्ट कर दिया तो पांच प्रकार की, तथा पांच प्रकार की बंधन भी नष्ट कर दिया तो उसके लिए जो कुछ दिन हो या रात आ जाएगा हमेशा कुशल धर्म की उन्नति होते रहता है। वो प्रसन्न होना पड़ेगा, वो चाहे था भी नहीं चाहे था भी उसको आ जाता है, धर्म पे आगे बढ़ता है दिन रात, कुशल धर्म बढ़ते रहता है। ये ऐसा है, पूर्णिमा के दिन आसमान में चांद आ जाता है, वो चांद के लिए दिन हो या रात हो कभी भी कभी भी कोई भी समय पे चांद पूरा गोलाकार है, प्रसन्न है, तथा चांद प्रकाशमय है, पूरा संपूर्ण चांद का शरीर भरा हुआ है। वैसे जो कोई भिक्षु भिक्षुनी हो या कोई व्यक्ति हो, ये पांच प्रकार की चुभने वाले काटा नष्ट कर दिया तो, पांच प्रकार की बंधन नाश कर दिया तो, उनके लिए जो कुछ रात हो या दिन हो किसी भी टाइम हो हर पल कुशल धर्म से उन्नति की ओर जाता है, कभी पतन की ओर नहीं जाता है। ये सूत्र उपदेश का नाम क्या था? चेतना कम चेतो खिल सूत्र।